नमस्कार। नेताजी टीवी में हमारे फोनरवा के सेक्रेटरी श्री सुरेश तिवारी जी का हार्दिक स्वागत है। सुरेश तिवारी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फोनरवा पिछले चार सालों से क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल कर पाई है। धन्यवाद। आज नेताजी में आपके जो है उसमें आपने हमें बुलाया। मैं बताऊं कि फेडरेशन ऑफ नोएडा RW फोनरवा, ये नोएडा शहर की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। वैसे मैं 2003 में RW रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 20 में आ चुका था और नोएडा के हर गतिविधि को देख रहा था कि यहाँ पर जो है इस नोएडा शहर के विकास में हम लोग की क्या अहम भूमिका हो सकती है। मैं बता दूँ कि जिस समय 2007 में मैं जब आया फेडरेशन ऑफ नोएडा RW का सेक्रेटरी जनरल बन करके, हम लोग की सबसे बड़ी इच्छा थी कि यहाँ नोएडा शहर विश्व के अनुरूप जो नोएडा है उस अनुरूप से हम लोग यहाँ के जो है परिवहन व्यवस्था, सुरक्षा, चिकित्सा, सड़कें और लाइट, इसके लिए हम लोग लगातार नोएडा प्रशासन हुआ, पुलिस प्रशासन हुआ या प्राधिकरण या पुलिस देश की जो है शासन, लगातार हम लोग संपर्क में रहे और उस अनुरूप हम लोगों ने काम किया। आज नोएडा में अच्छी परिवहन 10 रुपये में 15 रुपये में लग्जरी बसें चलने लगी। जिस समय 2007 में आया था तो खड़खड़ी बसें चलती थी कि लोग बैठते थे, आए दिन उसमें घटना दुर्घटना होती थी। और हमें बड़ी गर्व है कि पहला हम लोगों को जैसे ही मैं आया, हमने पहला जो यही कहा कि नोएडा प्राधिकरण और शासन से मिल करके यहाँ पर लग्जरी बसें चलाई जाएगी, वह सुविधा दिलाई जाएगी और उसे हम लोगों ने दिलवाए। PNG गैस, मेट्रो की जो है हम लोगों ने ख्वाब जो है देखा था 1990 से और लगातार नोएडा प्राधिकरण से, नोएडा और उत्तर प्रदेश शासन से लगातार हम लोग संपर्क करके फेडरेशन 2001 के अपने उसमें आया और उस फेडरेशन से हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि जब मेट्रो दिल्ली में की जो ख्वाब हो सकती है तो हमारे नोएडा में क्यों नहीं, और यह ख्वाब हम लोग का पूरा हुआ। वहीं आज सड़कें विश्व की सड़कों के अनुरूप हो रही हैं। सुरक्षा के नाम पे हम लोगों ने यहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली के लिए लगातार मुख्यमंत्री से हम लोग लगातार जो है संपर्क करके और चाह रहे हैं कि उसी अनुरूप है जो कि NCR में हमारी जो है सारी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हो, और हम लोग लगातार अपने प्रयास से कि पूरे देश में इसका नाम रोशन हो रहा है, फेडरेशन के लोग जान गए और जब भी जो है यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया तक जो है फोनरवा से पूर्व DGP जब अरे इसमें जो DGP आए थे उन्होंने कहा कि जाकर के वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैठिए, और उन्होंने आकर के माननीय करमवीर सिंह जी जो इसमें DGP हैं हम लोगों से नोएडा शहर की सुरक्षा व्यवस्था पे बैठक की। पुलिस प्रशासन, शासन और नोएडा प्राधिकरण से लगातार हम लोग बैठक करके इस नोएडा शहर को विश्व के अनुरूप हम लोग बनाना जा रहे हैं और ये हम बनाएंगे, और अभी फेडरेशन बहुत अच्छा काम करने जा रही है और कर रहे हैं। आने वाले समय में फोनरवा के और क्या क्या प्लान प्रोग्राम्स हैं तिवारी साहब? यहाँ पर हम लोग का है कि जो है ये खोई जनाधार जैसे थी कि यहाँ पर अब ज़्यादातर रेजिडेंशियल बढ़ता जा रहा है, हम लोग इसके लिए जो है लगातार संपर्क में है शासन से और नोएडा प्राधिकरण से कि जो औद्योगिक नगरी कही जा रही थी हम लोग उसको औद्योगिक नगरी के रूप में देखना चाहते और इस समय इंडस्ट्री हम लोग बढ़वाने के लिए लगातार प्रयास में है। नोएडा अथॉरिटी आपको कहाँ तक सहयोग करती है आपके इस फोनरवा के सारे एक्टिविटीज़ में? नोएडा अथॉरिटी हम ही लोग एक से एक सामाजिक संस्था है। यहाँ पर जितने कम से 122 RWA है, और RWA यानी कि मैं जैसे गांव में जनता के लिए प्रधान नियुक्त होते हैं वो शासन द्वारा, यहाँ पर वो शासन के जो है गाँव तो है नहीं, इसलिए हम लोग जो है रजिस्टर्ड बॉडी है और यहाँ पर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि नोएडा प्राधिकरण, शासन, प्रशासन इन लोगों के मिल करके और अपने यहाँ के निवासियों के, नागरिकों के सुख सुविधा दिलाती है। आपको लगता है कि नोएडा सिटी विश्व के उन बड़े शहरों के बराबरी कर पाएगा आने वाले समय में? इस समय तो ये देख लीजिए कि शिक्षा का हब हो चुका है नोएडा। इस समय पूरे विदेशों के लड़के पढ़ने आ रहे हैं। शिक्षा देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ तक कि यहाँ पर मेट्रो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर जो विश्व स्तर के हो चुके हैं, जो है डॉक्टर लाल जा करके पूरे दुनिया के नंबर 1 में आ चुके हैं, पद्मश्री हो चुके हैं। आपको मैं आपको बता दूं, नोएडा शहर शिक्षा में अभी अभी इस शहर में 5 लड़के IAS आए हैं, 5 लड़के, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग कितने बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्री में, स्वास्थ्य में, सभी स्तर पर। यहाँ पर देखिए जो है हमारे चिकित्सा के लिए शासन ने सुपर स्पेशलिस्टी जो है बनाई है, क्या नाम है, हॉस्पिटल 400 बेड का हॉस्पिटल होगा और उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर जो है हॉस्पिटल और सबसे अच्छी इसमें फैसिलिटी होगी।
तिवारी साहब, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हमेशा उठता रहा है नोएडा सिटी के अंदर, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप लोग कहाँ तक पुलिस प्रशासन के साथ मिल के प्रोग्राम कर पाते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बड़ी खुशी बात है कि कभी हम लोग सुना करते थे कि ADG और DGP और ये लोग जो है लखनऊ में बैठते हैं, लेकिन हम ही लोग की देन है कि लगातार जो है शासन से सुरक्षा के लिए मांग करते करते उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि आज मेरठ पर क्षेत्र में ADG बैठने लगे हैं, और सुरक्षा के लिए लगातार हमारे ADG जो है इस समय आकर निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और लगातार संपर्क करके कि हम विश्व के अनुरूप जो है सुरक्षा देंगे, और उसी कड़ी में हम लोग की भागीदारी चल रही है। आपके नोएडा शहर में सीनियर सिटीजन जो है वो अपने आप को कितना सेफ महसूस करते हैं? आप देख लीजिए, दिल्ली में आए दिन घटना होते हैं, लेकिन नोएडा में जो कोई भी सीनियर सिटीजन के साथ में कोई बर्दाश्त नहीं हो पाई। मैं आपको बता दूं, फेडरेशन की बैठक में जब हमारी पुलिस के साथ बैठक हुई थी, उसमें हमने पुलिस से पहला ही मांग किए थे कि सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनके यहाँ जा करके उनके लिस्ट RW ने बना करके दिया, और सुबह और शाम हमारी जाके चौकी इंचार्ज या पुलिस का कोई एक व्यक्ति गश्त करके जाके उनका हालचाल पूछता है, इसलिए जो है हमारे सीनियर सिटीजन सुरक्षित है। सर, महिलाएं नोएडा को किस तरह से महसूस करती हैं, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत। देखिए, एक दो छिटपुट घटनाएं के हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर हम लोग की खास नज़र है। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, कॉल सेंटर हैं, लड़की और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार जो देखिए पूरे नोएडा शहर के हर चौक पे इस समय PCR वैन लगी हुई है, और खास निर्देश है कि कोई भी महिलाओं के साथ में अनहोनी और घटना न होना पाए, इसकी जो देखभाल की जा रही है। सर, सरकार से आपको FONRWA की एक्टिविटी को अच्छी तरह से चलाने के लिए कहाँ तक सहयोग मिलता है? लगातार सरकार के तरफ से हमें जो है बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। जो भी हम लोग डिमांड करते हैं कि नोएडा शहर में ये होना चाहिए, और अच्छे कार्यों के लिए प्रशासन हम लोग के लिए शासन अच्छा जो है सहयोग देता है, आगे बढ़ने के लिए हमारी जो भारत में मदद करता है। सर, नेताजी TV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।